केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुरादाबाद के चौधरपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आदेश चौधरी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शिफाली सिंह चौहान का आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शिफाली सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। महिलाओं से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने की महिलाओं से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं कुछ योजनाओं के लाभ से वंचित रह गई हैं, उन्हें पत्रक दिए गए हैं, जिससे उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। यहां कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को सैनिटरी पैड, आयरन, कैल्शियम और विटामिन की दवाइयां बांटी गईं। डॉक्टर शेफाली ने बताया कि महिलाओं को महीने में होने वाली दिक्कतों को नज़रअंदाज करने से बड़ी बीमारियां पनपती हैं, जिनकी रोकथाम शुरू में ही हो जाए तो बेहतर होगा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदेश चौधरी के मुताबिक मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर महिलाओं को योजनाओं से अवगत कराया है, साथ ही केंद्र सरकार की संचालित सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी समुदाय के लोगों को दिया गया है, जिसका लाभ उन्हें 2024 में मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर उनकी पार्टी को वोट करेंगी और केंद्र में फिर एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। आज यहाँ ग्राम चौधरपुर में हमारा स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी स्थान पे कार्यक्रम था, जिसमें हमने मोदी जी के 8 साल की रिपोर्ट महिलाओं को दी है कि महिलाओं के प्रति क्या कार्य हुए हैं, क्या योजनाएं हुई हैं। सभी महिलाओं को हमने यहाँ पे एकत्रित करके और गांव की सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं, उनके बीच में हमने जो महिला साइबर सेल की योजना है, सुमंगला योजना है, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है और पिंक टॉयलेट्स की योजना है, स्वास्थ्य केंद्र पे जो टीकाकरण की योजना है, प्रसूत की योजना है, इन सारी योजनाओं के बारे में, मातृवंदना योजना वगैरह के बारे में हमने उन्हें जानकारी दी। उनसे पूछा कि क्या उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है। बड़ी मात्रा में महिलाओं ने मोदी जी की सरकार के प्रति अपने धन्यवाद व्यक्त किया है कि उनको इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिला है। और जो माताएं बहनें हमारी अभी भी इन योजनाओं से छूट गई हैं, हमने सभी माताओं को पत्रक दिया है, जिससे वो ये देख सकती हैं कि उनकी कौन सी योजना छूट गई है, वो अपनी पात्रता के आधार पर उस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकें। महिलाओं के बीच में आज हमने आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स और सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। महिलाओं के अधिकतर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मासिक में इस्तेमाल किए गए गंदे कपड़े या पॉलीथीन वगैरह जैसे उत्पादों की वजह से होती है। तो ये भी एक चिंतन का विषय था। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है और वर्ल्ड में इंडिया लीड करता है सर्वाइकल कैंसर में। सर्वाइकल कैंसर का एक मेन रीज़न गंदा कपड़ा इस्तेमाल करना होता है, तो इस पैड के ज़रिए हम एक, ये तो एक टोकन पैड है लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों पे ये आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे, सरकारी पीएचसी सीएचसी में ये आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाएगा कि इसका इस्तेमाल करें, जिससे वो मासिक की बीमारियों से बच सकें। ये कार्यक्रम आज हमारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा आदेश चौधरी जी के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें हमारे ग्राम प्रधान सुनेपाल जी का पूरा पूरा योगदान रहा है और ब्लॉक से डॉक्टर राजीव चौधरी जी हमारे साथ रहे हैं। आज हमारी भाजपा सरकार, जो गरीब और महिलाओं को समर्पित सरकार रही है मोदी सरकार, 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आंगनबाड़ी और समूह की महिलाओं के बीच में जो एक संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया, आज उसका आयोजन था। सरकार की नीतियां और महिलाओं से जुड़ी जितनी भी अब तक की योजनाएं हैं, उनको विस्तार से समझाया और बताया गया, उनके पत्रक भी वितरण किए गए और इसी बीच में एक योगदान स्वास्थ्य विभाग का रहा, जो महिलाओं को सैनिटरी पैड और विटामिन्स की गोलियां वितरित किया जाना है। महिलाओं का काफ़ी उत्साह देख के हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार को फिर महिलाओं का भारी वोट बैंक समर्थित होने जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा हमेशा आधी आबादी के सौजन्य में रही है और सरकार भी समर्पित सरकार भाजपा की रही है महिलाओं के लिए।